हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज़र, रोबोट्स, ऑटोमेशन, ये बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं। तो आज हम बात करेंगे गोल्डन ब्रीज ईए की, और इसको हम लोग 7 वीक्स कम्प्लीट कर चुके हैं। और आज का मेरा इंटेंशन आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो करने का नहीं है, क्योंकि मैंने इसके माई एफएक्स बुक लिंक्स मैंने पहले शेयर नहीं किए थे, और मैंने बोला था कि जब 7 to 8 वीक्स हो जाएंगे तब मैं इसका लिंक्स शेयर करूंगा, बिकॉज़ क्योंकि मेरे को भी ये चाहिए था कि मैं आपके साथ शेयर करने से पहले इसकी रिगरस टेस्टिंग ऑलरेडी कर लूं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका था। लेकिन मैं चाहता था कि एक बहुत ही हाई मूवमेंट आए फॉरेक्स मार्केट में, इसमें 1800, 900 या फिर 1000 पे ऊपर नीचे हो, तो फिर उसको मैं आपके साथ शो करूँ। क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने से मतलब नहीं है, मेरे को रिस्क भी देखना है कि उसमें कितना ड्रॉडाउन जा सकता है और कैसे सिचुएशन मैनेज हुई, ताकि चीज़ें आपके साथ भी ट्रांसपेरेंट रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 6 मई को हमने स्टार्ट किया, और आज 21 जून हो रही है। ठीक है, तो हमने, अच्छा, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बता दूं पहले। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको 2000 या 2500 बोला था, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 3000 मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप 5000 के आसपास से स्टार्ट करें। अगर आपके पास 5000 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेंट अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड एक दिन में या फिर 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही 1000 पिप का ऊपर या नीचे का मूवमेंट ले सकता है ना। तो ये के साथ चीज़ों को मैनेज करने की सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर 1 या 2 घंटे में या 2 या 3 घंटे में अगर 1000 पिप्स का मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है, या फिर अगर सुबह से शाम तक अगर ऐसा हो रहा है ना, तो दोनों सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन अगर एक साथ होता है 2-3 घंटे के अंदर अंदर अगर इतना बड़ा मूवमेंट होता है, तो उसमें ड्रॉडाउन थोड़ा बहुत आता है, और वो हर एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस एक्सपर्ट एडवाइज़र ने उस सिचुएशन को, ड्रॉडाउन की सिचुएशन को या नेगेटिव फ्लोटिंग की सिचुएशन को मैनेज कैसे किया। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि बिना ड्रॉडाउन के प्रॉफिट नहीं हो सकता है। जब तक मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं जाएगा जहाँ पर आपने ट्रेड लगाई हो, तब तक आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। अगर मार्केट एक रेंज के अंदर ही जाएगी तो आपको प्रॉफिट बहुत ही मामूली सा होगा। ठीक है, हमने 2500 का डिपॉजिट किया था, हमने 1883 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। ऑलमोस्ट 7 वीक्स हो चुके हैं। ठीक है, और अगर हम रनिंग ट्रेड्स देखें तो ये रनिंग ट्रेड्स हैं, अभी 2 रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये 2 रनिंग ट्रेड्स हैं, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने माई एफएक्स बुक लिंक पहले शेयर नहीं किए थे, माई एफएक्स बुक लिंक मैं आजकल शेयर ज़रूर करता हूँ, ताकि आप रियल टाइम पे आप मार्केट आप देख सकें कि एक्सपर्ट एडवाइज़र कैसे ट्रेड कर रहा है, कितना ड्रॉडाउन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और बाकी सारी एनालिसिस उस लिंक के साथ आप कर सकते हैं। जो लिंक मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं किया था, अब मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूं। मैंने शायद जो लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मेंबर्स हैं, मैंने उनको ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया, फिर भी मैं आपको अभी वो लिंक एक्सप्लोर करके दिखाते हैं सारे। देखिए, ये पहला लिंक है जिसका वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसकी अकाउंट हिस्ट्री मैंने आपको अभी दिखाई, उसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 30.90 का गया है, जब 1000 के आसपास या 1100 पिप्स का मूवमेंट हुआ था, जब गोल्ड माइनस जब एकदम नीचे एकदम चला गया था, सेल में गया था। राइट, ये शायद लास्ट वीक की बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इतना गया, प्रॉफिटेबिलिटी मंथ की अप्रॉक्सीमेटली 44.11% है, और ये ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, ये प्रॉफिट का ग्राफ है, और ये ड्रॉडाउन का ग्राफ है। हालांकि इसमें ड्रॉडाउन 30% नहीं शो कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो हम इसको बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट उस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट लिया था मार्केट ने। ठीक है, और आप स्टैटिस्टिक्स देखना चाहें तो ये स्टैटिस्टिक्स है, इस वीक हमने 4.4547% किया है, इस मंथ हमने 19.60% किया है अभी तक, और इस साल हमने 75% अभी तक किया है। और ये बाकी के स्टैटिस्टिक्स हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
मई में हमने 46.34% किया था और अभी जून में हमने 19.6% किया था। ठीक है, ये रही पहली सेटिंग। पर्सनली मेरे हिसाब से ये पहली सेटिंग बेटर है, ये स्कैल्पिंग मोड में पूरा चलेगा, लेकिन पर्सनली मुझे ये पहली सेटिंग पसंद है। लेकिन फिर भी मैंने दो सेटिंग अलग से करी कि अगर किसी को एक्सप्लोर करना हो तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए दूसरी सेटिंग है ड्रॉडाउन, तो लगभग इसमें भी उतना ही है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है 29.83। लेकिन हाँ, फंक्शनिंग देखिए, ट्रेड लेने की फंक्शनिंग अलग अलग है ना, लेकिन रिजल्ट लगभग अगर देखा जाए तो ड्रॉडाउन तब भी ऑलमोस्ट सेम आया है। मंथली इसका 13.32% है। ये बैलेंस ग्राफ है, ये प्रॉफिट ग्राफ है और ये ड्रॉडाउन ग्राफ है। देखिए इसमें शो कर रहा है थोड़ा सा हायर ड्रॉडाउन, जून 14 को शो कर रहा है ये। अच्छा ओके, ठीक है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। सेटिंग टू, पहले में पहली सेटिंग जो थी उसमें ट्रेड कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होंगे, सेटिंग नंबर टू में इसमें कंपेरेटिवली ट्रेड्स थोड़े से कम होंगे S1 के कंपैरिजन में, और अगर हम तीसरे सेटिंग की बात करते हैं तो इसमें कंपेरेटिवली थोड़े से और ट्रेड कम होंगे। इसमें आप देखें तो ड्रॉडाउन 18.72% रहा है और इसमें रहा है 29.83%, ऑलमोस्ट 30%। इसमें मंथली 13.32% रहा है, इसमें ड्रॉडाउन रहा है 18.72 और मंथली ऑलमोस्ट अराउंड 6.89%। इसको टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, हमने जून 3 को ही किया है, तो इसको ऑलमोस्ट इसको 3 वीक हुए होंगे, है ना, इसको 3 वीक ही हुए हैं अभी। इस वाले अकाउंट को भी 3 हफ्ते ही हुए हैं, ये हमारा पहला वाला अकाउंट है, इसको हमने 7 वीक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपके कुछ भी सवाल होते हैं इस एक्सपर्ट एडवाइज़र गोल्डन ब्रीज स्कैल्पर से रिलेटेड या फिर और किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोज़ जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे यूट्यूब या फिर आप या फिर मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू, और इन तीनों के लिंक्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। और आप चाहते हैं कि आप और भी दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिंक्स, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखना चाहें तो जो लिंक मैंने आपको जैसे दिए हैं, जैसे उसमें सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेंबर्स, उसके बाद क्रिएट वेल्थ, ठीक है, तो आप इतना यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इसको जब आप ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो आपको सारे सिस्टम जो कि मैंने अपने यूट्यूब इसमें माई FX बुक में अपलोड कर रखे हैं आपको सारे दिख जाएंगे। जैसे ये सेटिंग 1, सेटिंग 2, सेकेंड 3, ये दूसरा ये है, परफेक्ट हेज है, ग्रिड ट्रेडिंग है ना, MNR है या फिर BRPR, जो भी आपके होंगे, जो मैं ऑलरेडी अभी रन कर रहा हूँ और जो ऑलरेडी रन कर चुका हूँ या फिर जो अभी चल रहा है, आप सारे उनके स्टैटिस्टिक्स एक बार में देख सकते हैं। इनके बारे में भी आप अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। ये मैं फ्राइडे को मॉर्निंग में ही वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि शाम को थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, तो मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बना दे रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट इसमें जो रिकॉर्ड है वो थर्सडे तक के ही है, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, अभी 8:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा मॉर्निंग में। तो ये डिटेल्स आपके सामने हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।